हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सपने में हनुमान जी का देखने का क्या मतलब है। अगर आप सपने में हनुमान जी देखते हैं तो आपको चिंता हो रही होगी कि हनुमान जी का देखना शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताने जा रही हूँ कि सपने में हनुमान जी को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सपने में हनुमान जी को देखते हैं तो इसका मतलब आपका जो भी रुका हुआ कार्य है वो पूरा होने वाला है। और क्योंकि हनुमान जी को शिव जी का रुद्र रूप माना जाता है, शिव शंकर भगवान को भी सपने में देखना शुभ माना जाता है और उनके रुद्र रूप जो हनुमान जी है उनको भी देखना शुभ माना जाता है। अगर आप पंचमुखा हनुमान जी को अपने सपने में देखते हैं तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है या आपकी रुके हुए जो भी काम है वो सारे पूरे होने के चांस बन जाते हैं, या ऐसा माने कि वो सारे रुके हुए काम जो है वो आपके पूरे होने लगते हैं। अगर आप सपने में हनुमान जी की पूजा करते हुए दिखाई आपको हनुमान जी आप हनुमान जी की पूजा करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं और आपके शादी विवाह हाथ से संबंधित जो भी रुकावटें आ रही है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी होने के चांसेस बन जाते हैं है? और अगर आप सपने में हनुमान जी को चोला चढ़ाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पूजा है वो स्वीकार हो गई है और जल्द ही आपको अपनी पूजा का फल मिलने वाला है। अगर आप सपने में हनुमान जी का प्रसाद खाते हुए देखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। आपकी जितनी भी मनोकामना है, जो भी आप भगवान से मनोकामना मांग रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो पूरी बात ये है, कुल मिला के बात यही है कि सपने में हनुमान जी को देखना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।